या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो, तो आइए आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा, अटैच अंडरग्राउंड कमरे ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल, पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल, उत्सव आप मनाएं व्यवस्था हम करेंगे। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 7 लोगों की मौत, आधा दर्जन से अधिक की हालत गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार की सुबह बॉयलर ब्लास्ट होने से फैक्ट्री में काम करने वाले 7 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 7 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुए जिन्हें इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की फैक्ट्रीज को भी नुकसान पहुंचा है। बगल की चूड़ा और आटा फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो गई। उसके अंदर काम कर रहे 2 लोगों के भी घायल होने की सूचना है। घटना सुबह करीब 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। इधर सूचना मिलने के बाद मुजफ्फरपुर के SSP जयंतकांत दलबल के साथ पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। घटना के कारणों का भी पता नहीं चल सका। बता दें कि बेला थाना अंतर्गत बेला फेज 2 में ये नूडल्स फैक्ट्री है। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि धमाका काफी जबरदस्त था। धमाके की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल गए। 2 में एक फैक्ट्री जो बताया जा रहा है कि नूडल्स फैक्ट्री थी, वहाँ बॉयलर में विस्फोट हुआ है और उसके चलते उस फैक्ट्री में और उसके अगल बगल की फैक्ट्रीज़ में काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ बिल्डिंग क्रैक की है, थोड़ा आग लगी है, जिसके चलते कुछ करीब 5 लोगों की डेथ हो चुकी है और घायल लोगों का और इलाज SKMCH में कराया जा रहा है। वर्तमान में एक एक जगह हम लोग देख रहे हैं कि और भी किसी कैजुअलिटी की बात हो तो वो हम लोग लगातार चेक करा रहे हैं। लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो पाई है? ये मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है जहां पर एक बॉयलर में ब्लास्ट हुआ है और जिसकी वजह से 5 से 6 लोगों की कैजुअलिटी है और कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड हैं जिनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, रेस्क्यू चल रहा है। भागलपुर में धूमधाम से मनाई गई महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज की जयंती। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज की जयंती काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान आचार्य हरिनंदन बाबा ने कहा कि महर्षि संत सेवी महाराज ने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी, उसके फलस्वरूप आज महर्षि संत सेवी महाराज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आप लोग घर परिवार में जो भी काम है उसे करते हुए सत्संग और ध्यान करें, इससे आपका लोक और परलोक दोनों में अच्छा होगा। हरिनंदन बाबा ने ये भी कहा कि गुरु की सेवा से संत सेवी महाराज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, हमें भी उनसे ये सीख लेनी चाहिए। इस मौके पर महर्षि संत सेवी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कुप्पा घाट के स्वामी विवेकानंद, स्वरूपानंद महाराज, सत्यप्रकाश महाराज, विद्यानंद महाराज के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद थे। तरुगढ़ सर्जेंट के 2213 पद के लिए शामिल हुए परीक्षार्थी, एक सीट के लिए करीब 275 हैं दावेदार। बिहार में दरोगा और सार्जेंट के पद 2213 पर होने वाली बहाली लिखित परीक्षा सोमवार को हुई। इसमें करीब 6 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए, एक सीट के लिए करीब 275 दावेदार हैं। 2 घंटे की परीक्षा में 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे गए। प्रश्नों में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से संबंधित सवाल पूछे गए। वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थी काफी खुश दिख रहे हैं। इसको लेकर परीक्षार्थी सुबह से ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित थे। इस बार काफी संख्या में छात्राएं भी इस परीक्षा को दे रही हैं। परीक्षा देने आए छात्राओं का कहना है कि उन्हें तैयारी की है और वो जरूर सफल होंगी। इससे पहले ये परीक्षा 5 दिसंबर को होने वाली थी लेकिन फिर इसको बढ़ाकर 25 दिसंबर कर दिया गया। वहीं स्कूल्स में भी परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई थी। परीक्षा केंद्र में हर रूम में 24 परीक्षार्थी के लिए ही सीट सुनिश्चित की गई थी। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भागलपुर के कला केंद्र में हुआ वर्षांत समारोह का आयोजन।
कला केंद्र लाजपत पार्क भागलपुर में वर्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीते वर्ष का मूल्यांकन पर वार्ता थी। आज के इस वर्षांत समारोह में बीते वर्ष का मूल्यांकन को लेकर शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, समाज सेवी व प्रबुद्ध जनों ने अपनी अपनी राय दी और साथ ही साथ समीक्षा की गई। बीते वर्ष के मूल्यांकन में राजनीति, साहित्य व कला जगत में क्या अच्छा रहा, क्या गलत हुआ, उस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें एकता पर आधारित, नव जागृति चेतना पर आधारित एवं संगठन पर आधारित जागरूकता गीत संगीत की प्रस्तुति दी गई। वहीं इस वर्षांत समारोह कार्यक्रम में रामसरन, डॉक्टर योगेंद्र, सुनील अग्रवाल, एनके यादव, अनुल होदा, दिवाकर घोष, राहुल सुषमा, ललन, रेणु कुमारी, विजय धावक, दीपक मंडल के अलावा दर्जनों समाजसेवी, चिकित्सक, साहित्यकार व कलाकार मौजूद थे। बीआरसी के सामने कूड़े का अंबार, स्कूली बच्चे भी काफी मशक्कत कर कूड़े के ढेर से पहुंचते हैं स्कूल। भागलपुर स्मार्ट सिटी भागलपुर में इन दिनों सड़क किनारे कूड़े का ढेर आम बात हो गई है। शहर तो शहर, गांव और कस्बों में भी मुख्य पथ के किनारे कूड़ा कचरे की दुर्गंध लोगों को परेशान कर रही है। इसी क्रम में जिले में नाथनगर प्रखंड कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर प्रखंड संसाधन केंद्र के मुख्य द्वार पर कूड़े का अंबार लगा है। इसकी सड़ांत से बीआरसी में काम कर रहे शिक्षक और अन्य कर्मी काफी परेशान हैं। वहीं बीआरसी के ठीक पीछे मध्य विद्यालय नूरपुर में पढ़ने वाले लगभग सैकड़ों बच्चे इसे कूड़े के ढेर को पार कर रोजाना स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे में बीआरसी और स्कूल के पास यूं ही कूड़ा कचरे का ये ढेर स्वच्छ भारत मिशन को आईना दिखाने के लिए काफी है। जिस पाठशाला से बच्चे स्वच्छ रहने और आसपास सफाई रखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं इस कदर बिखरे हुए कूड़े से नौनिहालों के मन में कई सवाल जागृत हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कचरे के ढेर पर मंडरा रहे आवारा जानवर भी कचरे को स्कूल के गेट के सामने बिखेर रहे हैं। संभव है इस तरह की गंदगी रहने से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। गोपालपुर विधायक ने किया सड़क का शिलान्यास। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने रविवार को कालूजग से कालिंदी नगर के बीच नई अनुरक्षण नीति योजना 2018 के अंतर्गत बनने वाले पथ का शिलान्यास किया है। मुख्य अतिथि सांसद अजय मंडल थे। जदयू के मुख्य जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने बताया कि इस पथ की कुल लागत 60,29,241 रुपए है। पथ की कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। मौके पर मुखिया गणेशी मंडल, मुखिया मानकेश्वर सिंह, युवा नेता आशीष मंडल, नुनू मनी, गणपत मंडल, व्यास जी दास, सत्तन यादव व अन्य मौजूद थे। गोपालपुर के सैदपुर गांव में किसानों से मांगी रंगदारी, थाने में नहीं सुनी फरियाद। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में जहां पूनम देवी से खेत सिंचाई के समय कुछ रंगदारों द्वारा 10,000 की रंगदारी मांगी गई, नहीं देने पर खेत में सिंचाई नहीं होने देंगे, ये भी धमकी दी गई। वहीं जब पीड़िता ने गोपालपुर थाने में आवेदन देना चाहा तो वहां आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जानकारों के अनुसार रंगदार और पुलिस आपस में मिलकर इस तरह का काम करते हैं। पूनम देवी ने बताया कि थाने के एक पदाधिकारी जिनका नाम मुखिया जी है, उनको आवेदन दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर मैं नवगछिया पुलिस अधीक्षक, भागलपुर जिलाधिकारी और डीआईजी साहब को दी हूं। मगर सवाल ये उठता है कि थानेदार या थाने की कोई पदक पदाधिकारी आखिर फरियादी की फरियाद क्यों नहीं सुनते, क्यों उन्हें वरीय पदाधिकारी के पास जाना पड़ता है। मेरा नाम पूनम देवी। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने रेचा बोया है, उसमें 10,000 रुपया मेरा लग गया है। बहुत मजबूरी से मैंने पैसा लगाया है, मैं गरीब आदमी हूँ। और उसके बाद सबने पानी पटा लिया और उसकी मेरे लिए बोरिंग बंद कर दिया। वहाँ मांगते हैं पैसा, वहाँ मार पिटाई, धक्कम धुक्की की बात होती है। हम जेंट्स नहीं हैं, लेडीज हैं, हम कैसे उससे सकेंगे? नहीं पैसा दे पाएंगे, नहीं मेरे खेत में पानी आएगा। सरकार कैसे करते हैं, क्षतिपूर्ति का पैसा देते हैं और क्या कहते हैं, अभी मेरा जो ये खेती नुकसान होगा, ये पैसा कौन भरपाई करेगा? ये दरोगा जी जो हैं, ये दरोगा जी के पास हम 24 तारीख से आ रहे हैं, ये दरोगा जी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। यहाँ दलाल बैठते हैं, यहाँ सपोर्टर बैठते हैं, उस दलाल और सपोर्टर का सपोर्ट करते हैं दरोगा जी। दरोगा जी ये नहीं देखते हैं कि मैंने जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी का इज्जत रहना चाहिए मेरा। दोस्तों ने बुलाकर ले गया घर से, सुबह बहियार में दोनों हाथ बांधा मिला शव।
कदवा ओपी थाना क्षेत्र के पकराचोला व कासिमपुर कदवा के बीच बहियार में रविवार की सुबह खेतों में काम करने गए कुछ किसानों को एक युवक की लाश मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देखने सैकड़ों लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई, लेकिन किसी ने शव की पहचान नहीं की। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद मृतक की पहचान कदवा ओपी थाना क्षेत्र के गोलाटोला कदवा निवासी चंद्र देव राम उर्फ चानो के पुत्र नंद किशोर राम उर्फ ननकू राम के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही ननकू के घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की सूचना मिलने के बाद कदवा पुलिस ने सदल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। थानाध्यक्ष चंदन कुमार दुबे ने बताया कि मृतक की पहचान हो गई है। हत्यारों ने ननकू राम की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की। मृतक के चेहरे पर धारदार हथियार के निशान भी थे। हत्या के बाद घटनास्थल पर गिरे खून को हत्यारों ने मिट्टी से ढककर शव के दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए करीब 20 मीटर पश्चिम जलकुंभी के ढेर पर फेंक दिया था। कदवा पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया ले गए। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हत्यारोपियों का पता लगाने जा रही है। वहीं नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। कोसी नदी पर बन रहे रेल पुल का एडीआरएम ने लिया जायजा। कोसी नदी पर बन रहे रेल पुल का एडीआरएम ने जायजा लिया। रेल पटरी के सेक्शन कार्य को लेकर रविवार को मेगा ब्लॉक कटिहार व नवगछिया रेल पटरी पर लिया गया था। सोनपुर डिवीजन के एडीआरएम एमएन प्रसाद, सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन एसके सिंह, डीएन द्वितीय शैलेश कुमार कैंप कर कार्य का जायजा ले रहे थे। पुल के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पिछले एक पखवाड़े से रेल पटरी का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर के सीआरएस भी मंगलवार को निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। मालूम हो कि कटरिया और कुर्सेला के बीच कोसी नदी पर बन रहे 915 मीटर लंबी रेलवे पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उम्मीद है कि अगले माह से इस पुल पर परिचालन आरंभ हो जाएगा। इस्माइलपुर प्रखंड में गंगा नदी में डूबने से बालक की गई जान। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर नारायणपुर पंचायत के डिमाहा गांव के कैलाश यादव के 5 वर्षीय पुत्र ऋतिक कुमार की मौत गंगा नदी के पानी में डूबने से हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से बालक का शव नदी से बाहर निकाला गया। बताया गया कि गंगा प्रसाद धार में बाढ़ के समय जो पानी आया था वो घर के पास जमा है। बालक खेलते हुए पानी में चला गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर इस्माइलपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। अंचलाधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डुमरिया से तिंटेंगा दियारा जाने वाली सड़क का हुआ शिलान्यास। डुमरिया से टिंडेगा दियारा जाने वाली सड़क का शिलान्यास रविवार को सांसद अजय मंडल, विधायक नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह सड़क रंगरा प्रखंड के टिंडेगा दियारा उत्तर, टिंडेगा दियारा दक्षिण एवं गोपालपुर प्रखंड के डुमरिया चपरघर पंचायत, सुखटिया बाजार पंचायत एवं कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत शाहपुर धर्मी पंचायत सहित 3-3 प्रखंडों के लगभग लाखों दियारा वासियों के लाइफलाइन सड़क मानी जाती है। सड़क का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5,28,24,000 से पूरी होगी। इस सड़क के पुनर्निर्माण के साथ साथ चौड़ीकरण की भी योजना है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि इस सड़क का पूर्व में कई बार टेंडर हुआ, मगर प्रकलित राशि कम होने के कारण काम नहीं हो पाया था। गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को उन्होंने निगरानी करने का निर्देश दिया है। कार्यक्रम का संचालन चंद्रशेखर सुमन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया भोला मंडल ने किया। वहीं मौके पर नवगछिया भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल सहित कई अन्य। एहसान हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजार को रिमांड पर लेकर नवगछिया पुलिस करेगी पूछताछ। नवगछिया थाना क्षेत्र के उजानी के एहसान हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजार घटना के समय झारखंड के साहेबगंज जेल में बंद था। इस संबंध में नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि साहेबगंज के हत्या मामले में संजार नामजद आरोपित था। झारखंड पुलिस ने इसे हत्याकांड में गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में ही बंद था। एहसान हत्या के पहले ही संजार का साहेबगंज न्यायालय में बेल हो गया था, किंतु वह तकनीकी कारणों की वजह से जेल से नहीं निकल पाया था। नवगछिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
साहेबगंज न्यायालय से रिमांड पर लेकर नौगछिया न्यायालय में हत्या के मामले उपस्थित करवा दिया ताकि वह जेल से बाहर नहीं निकल सके। न्यायालय में उपस्थित करवाने के पश्चात आरोपित को साहेबगंज जेल भेज दिया गया है। संजार को एहसान हत्याकांड में रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। 18 दिसंबर को नौगछिया के उजानी निवासी मुर्गा व्यवसायी एहसान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता के बयान पर नौगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें संजार को मुख्य नामजद आरोपित बनाया गया है।